Hello students, and welcome to Sriji School online classes. Today we are going to start our fourth lesson, that is planning. And firstly we shall discuss the meaning and definition of planning, then we shall discuss features of planning. So if we talk about definition of planning, planning can be defined as thinking in advance or deciding in advance what to do, how to do, when to do, which to do it. This definition is according to Mr. Kuntz and O'Donnell. Both of these said that planning means deciding in advance what to do, how to do, when to do, and which to do it. Mean to say, we planning ye decide karna hai, kya karna hai, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसे करेगा. कोई भी काम है हमें तो उसकी प्लानिंग जब हम करेंगे तो यही सब डिसाइड करेंगे उसमें कि भी कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, तो यही प्लानिंग है. सो दिस डेफिनेशन कैन बी लर्न अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनल. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हिच टू डू इट. सो एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग, द वेरी फर्स्ट फीचर इज planning focuses on achieving objective. Planning is done for achieving objective. If there will not be an objective, then there is no need of planning. अगर हमारा कोई objective ही नहीं है तो कहे की planning की जरूरत ही नहीं है फिर. तो planning होगा, for example किसी student का objective है 95 plus score करना, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो फर्दर एक्टिव होगा, स्टेप्स वगैरह लेगा, कोई अपना प्रोसीजर, स्टडी टाइम टेबल वगैरह कुछ बनाएगा. तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही प्लानिंग होती है. सो दिस कैन बी रेड, मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू होती है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, और जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव सेट करने से शुरू होती है. ऑब्जेक्टिव के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती. इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट थिंक अबाउट प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानर्स decides methods, procedures, steps to achieve these objectives. सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो प्लानर्स है वो आगे फर्दर मेथड्स, रूल, प्रोसीजर्स, स्टेप्स वगैरह डिसाइड करेंगे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एंड अकॉर्डिंगली इफ एफर्ट्स आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन देन प्लानर्स मेक चेंजेस इन द प्लान. सीधी सी बात है, अगर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करते दिख रहे हो, तो प्लानर्स चेंजेस भी उस प्लान्स में करते हैं. नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज प्राइमरी एंड वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड अंडर प्लानिंग and all other four functions are based on objectives. Without objectives, other functions cannot be performed. So, planning is the primary function of management. So, let's discuss. Planning is the first function of management. Without planning, no other function can be performed because objectives are set in planning and all other functions depend upon objectives. So, very easy. Planning jo hai, वो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसके मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्लानिंग में डिसाइड होते हैं. प्लानिंग प्रोसेस जब हम करेंगे तो उसमें पहला ही स्टेप है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स. तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं. तो बाकी जो फर्दर फंक्शंस हैं आपके, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी जो चार के चार फंक्शंस वो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है. ऑब्जेक्टिव्स के बिना वो परफॉर्म नहीं हो सकते. तो जो प्लानिंग है वो पहला फंक्शन है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव और यूनिवर्सल. प्लानिंग इज नीडेड एट ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो परफॉर्म प्लानिंग, मिडल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स ऑल्सो परफॉर्म प्लानिंग, and lower level managers also perform planning. So from that point of view, planning is pervasive or universal. A second point of view is also there. Planning is not only needed in business organizations but also in non-business organizations like schools, colleges, hospitals, library. At every place planning is needed, even at our homes
Even at our homes, planning is also needed. So from this point of view also, planning is pervasive or universal. Next feature, planning is futuristic or forward looking. Planning is related to future. Because all these questions like what to do, how to do, when to do are related with the future. So planning is finding out the answers of these questions. Planning is never done for past. Planning past ke liye nahi ki jati, future ke liye ki jati. Padhte hain isko. Planning is futuristic function of management. Planning is never done for past. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, who is to do it. All these questions are related to future. Under planning, answers to all these questions are found out. Manager makes predictions and assumptions for this purpose. So planning is futuristic. सीधी सी बात है, planning में हम questions का answer जानते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सभी जो questions है वो future से related है. Future से related है, planning past से related नहीं है. Next feature of planning is, planning is continuous function. Planning is a never ending function. It is a continuous function. Once manager achieve the targets, then new plans are made for new objectives. Accordingly, managers cannot take rest. After implementing the plan, they need to be in touch with the plans according to changing situations. They need to make changes in the plan according to the changes in the external environment. For example, if plan is made for boom period and after implementing suddenly there is recession period, then need for change in that will be there. So manager cannot take rest after implementing the plan according to boom period. So it is a never ending process, it is a continuous process. Managers need to be in touch with the plans according to prevailing situation, according to changing situations we can say. Let's discuss once more. Planning is never ending or continuous process. Manager cannot take rest after making and implementing the plans. Managers have to be in touch with the plans. So rest nahi kar sakte ek baar plan वो अप्लाई करके उनको टच में रहना पड़ेगा प्लान्स के. चेंजेस आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. चेंजेस करने पड़ेंगे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ प्लान इज मेड ड्यूरिंग बूम पीरियड बट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन देर इज डिप्रेशन पीरियड, देन चेंजेस विल बी मेड बाय मैनेजर्स. तो एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि मैं बूम पीरियड के लिए प्लान बनाया था, अप्लाई भी कर दिया, बट सडनली डिप्रेशन पीरियड हो गया, चेंजेस मैनेजर्स को करने पड़ेंगे. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार मैनेजर अप्लाई करके रेस्ट नहीं कर सकते. सिक्स्थ फीचर इज, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. Planning is needed where we have alternatives. Where only one alternative is there, then no need of planning. For example, after passing 10, in a school only one side is there, that is science side. So, student getting admission need not any planning. Because they have only one option, science or school mein, unko science mein hi admission lena padega. But if there is art, commerce, agriculture and science, four sides are there, then student need to plan. Plan karna padega ki unhe art leni hai, commerce leni hai, science leni hai, agriculture side leni, kaun si leni hai. तो अगर ऑप्शंस होंगे किसी के सामने तभी प्लान्स की जरूरत होगी. और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल खरीदना है, मार्केट में एक ही सप्लायर है तो प्लानिंग की जरूरत है ही नहीं, उसी से खरीदना पड़ेगा. और अगर ज्यादा सप्लायर्स होंगे, इसको चार से पांच सप्लायर्स हैं, तो हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. हमें सभी सप्लायर्स की टर्म्स कंडीशंस इवेल्युएट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा जो बेस्ट सप्लायर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. सो प्लानिंग इज नीडेड वेयर वी हैव अल्टरनेटिव्स. डिस्कस इट मोर. प्लानिंग इज नीडेड व्हेन देयर आर मोर अल्टरनेटिव्स. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लानिंग इफ देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव. ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे वहीं पर प्लानिंग की जरूरत है. अगर एक ही अल्टरनेटिव है तो प्लानिंग का सवाल ही नहीं उठता. वी कैन नॉट थिंक अबाउट प्लानिंग इन द अब्सेंस ऑफ चॉइस. हमारे सामने चॉइस ही नहीं होगी तो प्लानिंग के बारे में हम सोच ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज वन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, देन देर इज नो चॉइस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
But if there are four or five suppliers, then planners have to evaluate terms and conditions of each supplier to select a most suitable supplier. तो ये है, अगर एक ही supplier है तो planning की जरूरत ही नहीं, चार पांच होंगे तो evaluate करके terms conditions वगैरह में से best point find out करने के लिए planning हमें करनी पड़ेगी. तो planning involves decision making where we have choice, we have to decide the best one. And the last feature of planning is a mental exercise. Planning is a mental exercise. It is not any physical exercise. तो physical work नहीं है, ये mental exercise है, दिमाग का काम है, intellectual process है, thinking process है. So let's discuss it more. Planning is a mental exercise which require higher level of thinking. तो एक mental exercise है, high level का thinking capacity चाहिए planning करने के लिए. Planning is related with the thinking before doing something. तो higher level thinking चाहिए, इसीलिए जो top level वाले managers हैं, वो planning का काम करते हैं. Lower level वाले जो workers के ऊपर just control करते हैं, तो वो उनको planning का काम नहीं दिया जाता है. Higher level वाले जो upper level managers हैं, higher level पर उनका thinking होता है, वो planning करते हैं. So planning is a mental exercise which require higher level of thinking. Planning is related with thinking before doing something. कुछ करने से पहले सोचना. Planning is an intellectual process of thinking rather than doing. कुछ करने का काम नहीं है, thinking की process है, बौद्धिक मानसिक process है, ये सोचने का काम है. It requires logical and systematic level of intelligence to take proper decisions. तो planning के लिए logical और systematic thinking process capacity and intellectual capacity we can say, intelligence capacity we can say, to take proper decision. Proper decision के लिए logical systematic level of intelligence चाहिए. So planning is a mental exercise, not a physical exercise. Thank you very much.